नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी क्लासेस में आपका स्वागत है। जिला दर्शन में आज हम पढ़ेंगे हनुमानगढ़ जिले के बारे में। तो आइए बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले के बारे में। हनुमानगढ़ जिला कब बना? 12 जुलाई, 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बना हनुमानगढ़। कब? 12 जुलाई 1994 को। किससे अलग होकर? गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का कौन सा जिला बना? हनुमानगढ़ 31वां जिला बना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन सभ्यताओं की भूमि। इसे प्राचीन सभ्यताओं की भूमि भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? प्राचीन सभ्यताओं की भूमि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कई प्राचीन सभ्यताएं मिली है, जैसे कालीबंगा सभ्यता हो गई और पीलीबंगा सभ्यता हो गई, अभी पल्लू गांव में मिली है कुछ पुरातात्विक मूर्तियां, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन सभ्यताओं की भूमि। नेक्स्ट हम बात करते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कालिका माता की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कालिका माता की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश। लेकिन जो इसका प्रवेश द्वार है राजस्थान में इसका प्रवेश द्वार कहाँ है? तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में, तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में। इसी घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। इसी गग्गर नदी को क्या कहा जाता है? मृत नदी भी कहा जाता है। इसी गग्गर नदी को हनुमानगढ़ में इसी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तलवाड़ा झील में, तलवाड़ा गांव जो कि टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में है, इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हनुमानगढ़ में जो दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? हनुमानगढ़ में भटनेर का दुर्ग या हनुमानगढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग की जो नींव है वो 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत द्वारा रखी गई। ये दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण मिट्टी द्वारा किया गया है। ये जो दुर्ग है ये मिट्टी से बना दुर्ग है। राजस्थान में ऐसे दो ही दुर्ग है जो मिट्टी से बने हुए दुर्ग है, एक तो भटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में है, एक लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में है। नाम लोहागढ़ है लेकिन वो मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। तो राजस्थान में दो ही दुर्ग है जो मिट्टी से बने हुए हैं। मिट्टी से बना दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। नेक्स्ट, इसी दुर्ग में शेर खां की कब्र है। इसी दुर्ग में किसकी? शेर खां की कब्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़, इस शहर का नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा? बीकानेर के शासक सूरत सिंह द्वारा मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ पर विजय होने के कारण इस जो शहर है, इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। उसी के नाम से ये हनुमानगढ़ काफी आगे फेमस हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे है गोगा मेड़ी। गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। इसी मंदिर में थोड़ी चर्चा करते हैं, तो देखिए इसे सांपो वाले देवता भी कहा जाता है। गोगा जी को सांपो वाले देवता भी कहा जाता है। जहार पीर, इन्हें जहार पीर भी कहा जाता है। ये उपाधि इन्हें की है, ये किसने कहा? ये गजनवी ने कहा। किसने कहा? जहार पीर गजनवी में। नेक्स्ट बात करते हैं इस मंदिर का निर्माण, गोगा मेड़ी में जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्ला अंकित है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर क्या अंकित है? बिस्मिल्ला अंकित है। प्रवेश द्वार है, ऐसा प्रवेश द्वार है, गोल गुम्बद के टाइप का है प्रवेश द्वार, यहाँ पे इसमें बिस्मिल्ला अंकित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो मकबरे नुमा का किया गया है। कैसे किया गया है? मकबरे नुमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मेला बढ़ता है वो गोगा नवमी को बढ़ता है। भाद्रपद में जो गोगा नवमी आती है उस टाइम यहाँ पे मेला बढ़ता है। इसी मंदिर में के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे 11 महीने तो यहाँ मुस्लिम पुजारी पूजा की जाती है, जबकि 1 महीने हिंदू पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हनुमानगढ़ के बारे में। हनुमानगढ़ और पहले ये गंगानगर से अलग हुआ है, तो पहले ये गंगानगर और हनुमानगढ़ एक ही एरिया था। इसे अयोध्या प्रदेश कहा जाता था। क्या? अयोध्या प्रदेश। क्या कहा जाता? अयोध्या प्रदेश। किसे? हनुमानगढ़ को नहीं, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो दोनों का एरिया है उसे प्राचीन काल में अयोध्या प्रदेश कहा जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बताया मैंने
कौन 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 सी सभ्यता है? काली बंगाल की सभ्यता, पीली बंगाल की सभ्यता और पल्लू गांव की सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यता हनुमानगढ़ में? काली बंगाल सभ्यता, पीली बंगाल सभ्यता और पल्लू गांव की सभ्यता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे है गुरुद्वारा कबूतर साहब, यहाँ पे है गुरुद्वारा कबूतर साहब। यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद देव जी पधारे थे, इसलिए काफी फेमस है ये। कहाँ पे है गुरुद्वारा गोविंद साहब कबूतर साहब? कहाँ है? हनुमानगढ़ में, नौर तहसील में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ है गुरुद्वारा सिखा सिंह मेहताब। कौन सा गुरुद्वारा है? सिखा सिंह मेहताब गुरुद्वारा है यहाँ पे, जो कि काफी फेमस है और ये हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ शहर में स्थित है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ शहर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में खेल के सामान से रिलेटेड, खेल से खेल के सामान को लेकर सबसे जो अच्छा माना जाता है वो है हनुमानगढ़ जिला। यहाँ पे सबसे अधिक खेल का सामान बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खरखेड़ा गांव, खरखेड़ा गांव यहाँ का, हनुमानगढ़ का जो खरखेड़ा गांव है वो काफी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये IGNP का प्रवेश द्वार है। क्या है? IGNP का। IGNP यहाँ से राजस्थान में एंटर करती है। कौन से गांव से? खरखेड़ा गांव, हनुमानगढ़। नेक्स्ट हम बात करते हैं तलवाड़ा झील, राजस्थान में ये तलवाड़ा झील है, ये हनुमानगढ़ जिले में है। हमने आपको बताया कि जो ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तलवाड़ा गांव में। इसी गांव में जब घग्गर नदी प्रवेश करती है तो एक झील का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? तलवाड़ा झील। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्लू गांव की सभ्यता। पल्लू गांव में दो सरस्वती जी की जैन मूर्तियां मिली है, दो सरस्वती की जैन मूर्तियां मिली है, जो कि अभी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में उन्हें रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हनुमानगढ़ में ही काफी फेमस है भद्रकाली माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? भद्रकाली माता का मंदिर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ है एक शिला माता का मंदिर, जो भी काफी फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिला माता का मंदिर। तो ये छोटा सी जिला था हनुमानगढ़, जो कि आज अभी कंप्लीट हो गया है। और जो ये आपके गग्गर नदी है, जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा आपको तो आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। मोटा मोटे यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो उद्गम स्थान है वो कालिका माता हिमाचल से है और राजस्थान में प्रवेश कहाँ है? तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में। इसके प्रवेश, इसके अपवाद क्षेत्र को नाली कहा जाता है, इसे मृत नदी भी कहा जाता है। कई एक क्वेश्चन आता है इस घग्गर नदी के बारे में कि यदि घग्गर नदी में अधिक पानी आ जाता है तो कहाँ पे बाढ़ आ जाती है? तो यदि घग्गर नदी में पानी आ जाता है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में, कहाँ पे? पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास शहर है, वहां पे बाढ़ आ जाती है। और जो बठनेर दुर्ग है, ये जब मैं दुर्ग पढ़ाऊंगा आपको, मोटा मोटी आपको बता दिया है कि इसकी नींव भाटी शासक भूपत द्वारा रखी गई है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। और बाकी जानकारियां हैं जो इसमें दुर्ग वाला लेक्चर आएगा उसमें कंप्लीट की जाएगी। और जो मेन चीज थी, जो मेन हनुमानगढ़ में जो मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लगभग आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गोस्वामी क्लासेस बीकानेर। धन्यवाद।